रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में तुमको महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं वहां से बहुत दूर निकल आया था। गर्मी से खुद को बचाने की चाहत में मैं जैसे किसी भ्रम में पड़ गया था और उसी भ्रम में मैं पहुंच गया गांव के शमशान की तरफ। मेरा ध्यान टूटा सामने जलती उस चिता को देखकर। धू धू कर अग्नि में वो चिता जल रही थी। तब समझ में आया मैं गांव के शमशान में पहुंच चुका हूं। और तभी मेरे कानों में पड़ा एक दयनीय क्रंदन। ये क्रंदन एक बकरी के बच्चे का था। मैं तेज कदमों से उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता चला गया और पहुंचा एक पुरानी सी झोपड़ी के पास। झोपड़ी का दरवाजा बंद था, मगर दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर की तरफ आ रहा था। मैं आश्चर्यचकित हो उठा। इस सुनसान वीरान से शमशान में आखिर कौन? और बिना कुछ आगे सोचे मैंने उस झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। अंदर मध्यम रोशनी में जो दृश्य मैंने देखा वो मेरे लिए हृदय विदारक था। मैंने देखा अंदर एक बकरी के बच्चे के गर्दन कटी लाश पड़ी है और उसी से खून बहकर बाहर की तरफ आ रहा है और उससे ठीक कुछ दूरी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो किसी विशेष तरह के मंत्र का जाप कर रहा है और उसके एक हाथ में उसी बकरी के बच्चे की गर्दन है। मैं चौंक पड़ा और बहुत बहुत गंभीर स्वर में मैं बोल उठा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मगर मेरे प्रश्न का कोई भी जवाब ना आया। उस व्यक्ति ने कोई भी प्रतिक्रिया ना दी, अभी तो पहले की तरह मंत्र जाप करता रहा। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो मेरी तरफ पीठ किए बैठा था और इसी वजह से मेरे मन के अंदर व्याकुलता और बढ़ती जा रही थी। मैंने पुनः डांटने के स्वर में ही कहा, तुम मुझे बताते हो कि मैं जाकर गांव वालों को बुला के लाऊं? और तभी आश्चर्यजनक तौर से मेरा मस्तिष्क जैसे घूम सा उठा। बिना मेरी तरफ देखे वो व्यक्ति बोल पड़ा, तारानाथ आओ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हो। आओ तारानाथ आओ। और ये कहते कहते वो उठकर खड़ा हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है। और फिर वो उठकर जब मेरी तरफ घूमा तो उसकी प्रतिच्छवि देखकर मैं सच में एक पल को कांप उठा था। बलिष्ठ हिष्ट पुष्ट शरीर का वो व्यक्ति रंग काला और एक काला लवादा पहने हुए एक हाथ में बकरे का सिर पकड़े हुए जैसे किसी प्रचंड राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था। आगे उसने बोलना शुरू किया, जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं तांत्रिक काल शंकर। तुम मुझसे पहले मिल चुके हो और इसीलिए मैं तुम्हारा नाम जानता हूं। तभी मेरी नजरें उसकी नजरों से टकराई और जैसे मैं किसी भ्रम जाल में फंसता सा चला गया। मेरा शरीर वहां पर स्तंभित खड़ा रह गया। मैं हिलने डुलने बोलने
सब में असमर्थ हो गया था, परंतु मेरा मस्तिष्क काम कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सपने देश में चला गया हूं। और वहां पर मैंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति खाट पर लेटा है और एक छोटा बच्चा उसके पास खड़ा है। वृद्ध मृत्युशैया पर है और प्राण त्यागते त्यागते वो लड़के से कह रहा है, तुम्हें इंतकाम लेना है, वचन दो मुझे तुम इंतकाम जरूर लोगे। और तभी अचानक मेरे सामने का दृश्य बदल गया और मैंने देखा मेरे सामने वही तांत्रिक खड़ा हुआ है और मेरे देखते ही देखते वो एक भयंकर पिशाच में परिवर्तित हो गया। उसका स्वरूप बहुत सा वैसा ही था जैसे मैंने सिक्किम में उस शैतान को देखा था। मैं अपनी आंखें बंद कर लिया और फिर अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर की जड़ता समाप्त हो गई है। और जैसे ही मैंने उस कमरे में देखा वहां पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। इसका मतलब मुझे भ्रम जाल में फंसाकर मौका पाकर वो तांत्रिक वहां से फरार हो गया था। उसके जाने के बाद मैंने उसकी झोपड़ी की तलाशी ली और तभी मुझे एक किताब मिली। उसके पन्नों में अलग अलग मंत्र लिखे थे और ये मंत्र मेरे लिए काफी जाने पहचाने थे क्योंकि ये ठीक उसी तरह थे जैसे सिक्किम में मैंने मंत्र पढ़े थे। मैंने वो किताब अपनी जेब में रख ली। मेरे लिए अब ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं रही। अचानक तारानाथ रुक गए। हुक्के के कुछ कश मारकर फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं तुरंत ही तेज कदमों से हवेली की तरफ लौटा और हरिदत्त खंडेलवाल उर्फ बटुकदत्त के चाचा जी के कमरे में पहुंचा। मुझे देखते ही वो बोले, अरे तारानाथ, इतने दिन कहाँ थे भाई? घर में ऐसी तकलीफ हो गई है, मैं तो तुमसे ही मिलना चाहता था। मैंने क्रोध के स्वर में उनसे कहा, मुझसे मिलकर आप क्या करते? आपने जो खेल शुरू किया है पहले आपको उसे रोकना होगा। मैं कभी सोच नहीं सकता था खुद को ज्ञान का पुजारी दिखाने वाला एक व्यक्ति केवल केवल थोड़ी सी जायदाद के लिए इतना क्रूर हो सकता है। मेरी बात सुनकर वो भी तिलमिला उठे, बोल पड़े, क्या कह रहे हो तारानाथ? सोच समझ कर कहो, मत भूलो ये मेरी रियासत है। आपकी रियासत है तो क्या अपने परिवार वालों को मारकर आप यहां रहेंगे? आपकी मौत पर पानी देने वाला कौन रहेगा? आपने अपने भाई के वंश को तो खत्म कर डाला है, अब उस छोटे से बच्चे पर आपकी नजर है? इतने क्रूर, इतने स्वार्थी हैं आप। मेरी बातों में अपने आप को फंसता देखकर उन्होंने भी अपना असली रूप मेरे सामने ला दिया और बोले, हाँ हाँ, क्यों दूं मैं अपनी जायदाद? हाँ, ये सारी जायदाद मैंने अपनी मेहनत से खड़ी की है और उसे मेरे भाई का परिवार भुगते है। आपके वंश में भी तो कोई नहीं है, तो फिर क्या बुराई है अपने भाई के बच्चे को अपना बच्चा मानने में? और एक बात याद रखिए, चाहे जितनी भी दौलत कमा लीजिए, मृत्यु की घड़ी में यही आपके काम आएंगे। मेरी बातें जैसे उनके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। वो कुछ पल को चुप रहे और फिर बोल पड़े, तारानाथ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में लोभ के वश होकर मैं जैसे पागल हो गया था और पहुंच गए उस शैतान तांत्रिक के पास। तो तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है मगर आपको नहीं पता। आपने
आपने कितने बड़े जाल में पैर दिया है। आपको क्या लगता है वो एक साधारण सिद्ध तांत्रिक है? वो पिशाच सिद्ध है, पिशाच सिद्ध। और एक पिशाच सिद्ध तांत्रिक से आपका बच पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो यहां बदला लेने आया है। क्या बदला? हाँ, आपके इस पूरे खानदान को खत्म करना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि वो पोता है आपके कुलगुरु का, वही कुलगुरु जिसे आप लोगों ने अपमानित करके गांव से बाहर निकाला था। आज वो अपने पिता माँ का इंतकाम लेने के लिए आपके पास आया है। क्या क्या कह रहे हो तारानाथ? अरे मैं क्या कर बैठा? बहुत बड़ी गलती। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो साधु बाबा। आप ही मेरे परिवार को बचा सकते हो। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही इस बात में मन बना चुका हूं। परंतु कल रात को आप उससे मिलने क्यों गए थे? मैं कल रात को नहीं गया था। पर हाँ, जिस दिन बटू की मृत्यु हुई उस रात को अवश्य गया था। ओ, तो मेरा शक सही था। हमें ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए, चलिए आइए मेरे साथ। ये कहकर हम दोनों कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक मार्ग रोक कर खड़ी हो गई बटुक दत्त की माँ और उसकी पत्नी। दोनों बिलक बिलक कर रो रही थी। पता चला संजय घर का नाती कहीं नहीं मिल रहा है। बागान में वो खेल रहा था, फिर अचानक गायब हो गया है। मेरा दिल धक से कर उठा। जो मैं सोच रहा था वो इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे पता नहीं था। पर प्रश्न ये था कि आखिर वो बालक कहाँ गया और कौन उसे ले गया। तभी घर के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे कहाँ गया, से तो मैं परेशान हो गई हूं। मैं उन्हें वहीं रोककर उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा और घर के पीछे पहुंचा तो घर की नौकरानी कमला चिल्ला रही थी। मैंने उसे कहा, किसे ढूंढ रही हो? अरे उसी बुड्ढे को बाबा। कौन बुड्ढा, माली? हाँ वही माली, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहां चला गया है। मेरा शक अब विश्वास में बदल गया है। उस रात को पिछले दरवाजे से बाहर जाने वाला और कोई नहीं, माली ही था, और इस वक्त भी बच्चे को वही लेकर गया है। मगर प्रश्न ये था कि आखिर कहाँ, और इस प्रश्न का जवाब दिया हरिदत्त ने। मुझे मालूम है वो कहाँ गए हैं, उसका ठिकाना, मैं वहाँ दो बार जा चुका हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मगर आपका वहां आना उचित नहीं होगा। मुझे वो जगह बता दीजिए, मैं जाता हूं। नहीं बाबा, आज उस बच्चे की रक्षा करनी ही है मुझे, और इसके लिए अगर मुझे अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़ी तो मैं तैयार हूं। जो पाप मैंने किया है अपने भाई के परिवार के साथ, आज अपने खून से उस पाप को मैं धो दूंगा, बचाऊंगा उस बच्चे को किसी भी हाल में, और इसके लिए मैं आपकी सहायता चाहता हूं। ठीक है, आप मुझे वहां लेकर चलिए। इसके बाद हम दोनों घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगे। चलते चलते हम शमशान के पास की भूमि से होते हुए उस पथरीली जमीन से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। शाम ढलने लगी थी, धीरे धीरे संध्या हो रही थी। मैं तेज कदम चलाना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि काल शंकर जो भी करने वाला है उसका समय आ गया है। और फिर उस पथरीली जमीन पर गिरते पड़ते हम उस जगह को पहुंच ही गए। वहां से कुछ दूरी पर यज्ञ कुंड की अग्नि की रोशनी थी, और उसी रोशनी में मैंने देखा जमीन पर एक बच्चा बेहोश था और उसके पास ही एक वृद्ध खड़ा था। इस बात में कोई शक नहीं कि ये वो दुष्ट माली ही था, और सामने बैठा हुआ था वही शैतान। मैंने हरिदत्त से कहा, देखिए आप यहां सावधानी रखिएगा, मैं
उस बच्चे को उठाकर जल्दी यहाँ आऊँगा और फिर हमें यहाँ से निकल जाना होगा। हाँ, इस बात में वो माली रोकने की कोशिश करेगा और आपका काम होगा उसे रोकना। काल शंकर हमें बाधा नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि अगर एक बार उसने मंत्र जाप करना शुरू किया तो वो बीच में नहीं रुक सकता और यही बात हमारी मददगार होगी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और फिर वहां पर पहुंचकर मैंने एक धक्के में माली को जमीन पर गिरा दिया और फिर बच्चे को उठा लिया। माली को धिक्कारता हुआ मैंने कहा, दुष्ट पापी, मरने की इस उम्र में भी इस तरह का पाप करते हुए कुछ शर्म नहीं आई? इस बच्चे की बलि देकर आखिर तुम लोग क्या करना चाहते थे? और फिर उस बच्चे को लेकर मैं दौड़ पड़ा। मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं थी, मेरा सोचना यही था। मैंने एक बात और हरिदत्त से कह रखी थी, चाहे जो भी हो जाए किसी भी हाल में उन्हें काल शंकर की आंखों की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि उसकी आंखें सम्मोहिनी थी। जो भी उसकी आंखों में देखता था उसके सम्मोहन में बच जाता था और यही उसका सबसे बड़ा अस्त्र था। मेरी रक्षा करने के लिए हाथों में बंदूक लिए हरिदत्त तैयार थे, पर मुझे रोकने वाला कोई था नहीं, इसलिए मैं करीब करीब उनके पास तक आ ही गया था कि अचानक मेरे कानों में पड़े वो शब्द, तारानाथ रुक जा, और इसके साथ साथ मेरे कानों में पड़ी एक भयंकर आवाज। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। मैं बच्चे को लेकर तेजी से आगे भागने लगा कि तभी अचानक एक अत्यंत नुकीली चीज आकर मेरे शरीर से टकराई। इससे मेरा शरीर तो आहत हुआ ही, उस धक्के से मैं दूर छिटक गया। बच्चा मेरे हाथों से दूर जा गिरा और मैं भी उस बच्चे से 2 फुट दूरी पर गिर पड़ा। मेरे पीठ से खून की धारा बह निकली और असहनीय दर्द मुझे होने लगा था और सामने साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही थी। तभी मुझे याद आई उस किताब की बात जो मैंने झोपड़ी से उठाई थी। जिस तरह से सिक्किम में उस शैतान की मृत्यु का रहस्य उस पन्ने में था, अवश्य शैतान का अंत भी उसी किताब में होगा। और यही सोचकर मैंने तुरंत ही अपनी जेब से वो किताब निकाली। परंतु कहते हैं ना, हम सोचते कुछ हैं और प्रकृति नियत कुछ और करती है, और यही उस वक्त मेरे साथ हुआ। किताब निकालकर मैंने पढ़ने की कोशिश की तो चारों ओर से तेज हवाएं और आसमान पर बिजलियां कड़कने लगी। गर्मी के बाद तेज बारिश आने का एहसास अत्यंत प्रसन्न करता है, मगर उस वक्त वो मुझे सिर्फ डर दिखा रहा था, क्योंकि उन तेज हवाओं में मेरे हाथों से किताब के वो पन्ने इधर उधर उड़कर चले गए और मेरे सामने साक्षात मौत आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो पिशाच अपना दूसरा प्रहार करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। और तब मेरी नजर उस पर पड़ी और उसे देखते ही मैं आश्चर्यचकित और स्तंभित सा रह गया। वो पिशाच जिसका शरीर तो मनुष्य का था मगर सिर बकरे का था, किसी सामान्य बकरे का नहीं, अपितु किसी शैतानी बकरे का। माथे पर से निकले हुए 2 सींग फाले की तरह मुड़े हुए थे और इन्हीं में से एक सींग से उसने मुझ पर प्रहार किया था। आंखें इस तरह से जल रही थी जैसे समस्त नरक की अग्नि उसके आंखों में उतर आई हो। एक भयानक हिंसक चित्कार करता हुआ वो मुझे फाड़ डालने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक मेरे सामने ढाल बनकर खड़े हो गए हरिदत्त। अपनी बंदूक से उन्होंने 2-3 फायर किया मगर उस शैतान को असर न होना था और हुआ भी नहीं, और इसके साथ ही एक चीख के साथ हरिदत्त का शरीर मांस के पिंड में बदलकर इधर उधर छिटक गया। एक बार फिर से मेरा हृदय क्रंदन कर उठा। ये तीसरी मौत थी जो
जो मेरे सामने हो रही थी, मगर मैं उसे रोकने में असमर्थ था। मैं उनके बलिदान के सामने नतमस्तक हो गया और किसी तरह अपने शरीर का दर्द भूल कर इधर उधर घूम कर उस किताब के पन्ने खोजने लगा। और तभी मेरे हाथों में पड़ा एक पन्ना। पन्ने के मंत्रों से मैं परिचित था, इसलिए मुझे उसे पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये मंत्र ठीक उसी मंत्रों की तरह थे जैसा मैंने सिक्किम में पढ़ा था। मैं जल्दी जल्दी उन मंत्रों को पढ़ने लगा और अंतिम मंत्र पढ़ते ही एक बार फिर से मेरे शरीर पर एक जोरदार धक्का लगा और मैं दूर छिटक गया। और बेहोश होने से पहले मैंने देखा वो शैतानी आकृति धू धू कर जल रही थी और फिर कुछ ही पलों में हवा में विलीन हो गए। जमीन पर पड़ा रहा तो सिर्फ एक जीभ, वही जीभ जो अभी तुम लोगों ने बक्से में देखा। इसके बाद मैं बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया था, मगर बेहोश होने से पहले एक बार फिर से मैंने वही हंसी सुनी। वही चिरपरिचित हंसी जो मैंने सिक्किम में सुनी थी और फिर मैं बेहोश हो गया। ये हंसी किसकी थी आप बताइए ना बाबा, मैंने पूछने के साथ साथ किशोरी को हिलाया। किशोरी तो जैसे मिट्टी का गुड्डा बना सुन रहा था। अचानक चौंक कर, हाँ क्या क्या, मैं बाबा से पूछ रहा हूँ हंसी किसकी थी। अरे भाई सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है, कितनी उत्तेजना क्यों तुम लोगों में। आगे की घटना तो सुनो। जब मुझे होश आया तो मैं जमींदार के घर पर था। फिर किसी तरह से ठीक हुआ तो पता चला माली ने सारी घटना के लिए खुद को जिम्मेदारी ले ली है। दारोगा साहब भी आए हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा माली मुझसे कुछ बातें करना चाहता है। मैंने उससे मिलना चाहा। कमरे में आकर वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मैंने उससे पूछा तुमने ये सब क्यों किया, और जब तुमने ऐसा किया ही तो फिर मुझे बचाया क्यों। बाबू मेरा मन बदल गया, मैं तो इस घर का गुलाम हूं। मालिक जो करना चाहते थे मैं बस उनमें साथ दे रहा था, मगर जब अपनी आंखों के सामने मालिक को इस बच्चे को बचाने के लिए बलिदान करते देखा तो मेरा मन भी बदल गया बाबू। इसीलिए मैं आपको और बच्चे को बचा लाया, और मालिक की बदनामी ना हो इसलिए सारा कसूर मैं अपने सर पर लेता हूं। आप भी किसी को बताइएगा मत। इसके बाद कुछ दिनों तक अपना इलाज कराकर मैं फिर वापस आ गया। तो बताओ कैसी लगी आज की कहानी तुम लोग को, अद्भुत डरावनी बहुत ही रोचक, मगर पता नहीं क्यों आज की कहानी जैसी नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे एक सच्ची घटना हो। क्यों किशोरी, आप आज की घटना को कहानी नहीं कहा जा सकता जब तक कोई इंसान सच में ऐसा कुछ ना भुगते, और फिर प्रमाण जब उस बक्से में हो तो उसे कहानी कैसे कह सकते हैं। तारानाथ हंस पड़े और फिर हुक्का गुड़गुड़ा कर बोले, मैं भी तो इसे सच्ची घटना ही बता रहा हूं, वो तो मैंने तुम लोगों की परीक्षा करने के लिए ये पूछा था, क्योंकि हर बार तुम लोग कहते हो ना मैं तुम लोगों को कहानी बताता हूं, इसीलिए आज मैंने भी माना कि मैं कहानी बता रहा हूं।
मगर तुम लोगों ने प्रमाणित किया कि मेरी बताई हर घटना सच्चा अनुभव ही होती है। तो कहानी खत्म हुई? हर बार की तरह किशोरी बोल पड़ा। नहीं किशोरी बाबू, अभी थोड़ा और बाकी है। हालांकि मैं वहां से लौट अवश्य आया, पर मन में कई प्रश्न रह गए। आखिर ये अलग अलग तरह के शैतान कौन थे, और फिर वो हंसी किसकी थी? हाँ, ये बात तो हम लोग भी पूछ रहे थे आपसे। इसका उत्तर मिला मुझे इस घटना के 10 साल बाद। ये तब की बात है जब मेरी शादी हो गई थी, इस घर में आ गया था और जीवन चल रहा था। एक दिन ऐसे ही गर्मी के दिन थे, गर्मी से तंग होकर बाहर दरवाजे में कुर्सी लगाकर हवा खा रहा था। अचानक दूर से एक वृद्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उसे पहचानता हूं, मगर कौन है ये याद नहीं आ रहा था। वो भी दूर से ही मुझे देखकर बोला, तारानाथ कैसे हो? उसकी बातों से लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। अब जब इंसान की उम्र ढल जाती है तब उसके शरीर के गठन परिवर्तन होना बंद हो जाता है, केवल माथे के बाल पक जाते हैं। इसलिए अब उस उम्र के कुछ पहले और उस समय देखे हुए चेहरे को पहचानना काफी आसान होता है, और यही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं उसे पहचान तो रहा था मगर मेरा दिमाग उसे विस्तृत रूप में मुझे नहीं बता रहा था। अचानक वो मेरे पास आकर बैठा और बोला, बहुत से प्रश्न तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं, उन्हीं का उत्तर देने आया हूं। तुम्हें याद है ना राजस्थान की वो घटना? तुम्हें पता है वो शैतान कौन था? अब नहीं। और वो किताब, उस किताब के बारे में क्या सोचते हो तुम? वो किताब जो भी थी बहुत अद्भुत थी, मगर वो थी क्या? वो किताब षडरिपुओं का बंधन थी। षडरिपु तो जानते हो ना तुम? हाँ, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, यही तो है। हाँ, पौराणिक काल में षडरिपुओं को उन किताबों में बांध दिया गया था ताकि वो मनुष्यों को ज्यादा परेशान न कर सके, और इसके लिए हर एक रिपु को एक शैतानी जीव का आकृति दी गई थी। किताब के 6 पन्नों में अलग अलग तरह के शैतानी जीव बने हुए थे, और उस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसके सभी पन्ने एक साथ एक समय पर एक जगह नहीं रखे जा सकते थे। अगर ऐसा होता तो प्रलय आ जाता। इसीलिए आधी किताब तुम्हें सिक्किम में मिली, आधी वहां, और बाकी हिस्से भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं अवश्य होंगे। तुम्हारा सामना प्रथम दो जीवों से हुआ। ये जीव अपेक्षाकृत कमजोर थे, इसीलिए तुम उनसे जीत सके, क्योंकि कहीं अगर बाकी 4 जीवों से सामना हो जाता तो तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते थे। क्या 4 जीवों में से 2 जीव? मतलब सिक्किम का वो जीव भी? हाँ, वो जीव भी उसी किताब का एक अंश था। वो था मोह, जिसे मत्सर भी कहा जाता है, और दूसरा जीव था क्रोध। काल शंकर इन दोनों जीवों से मिल चुका था। इन दोनों जीवों को साधना कर जीवित करने की शक्ति उसके पास थी, और पहले उसे मोह ही मिला था, परंतु काल शंकर की मानसिक स्थिति मोह से मिलती जुलती नहीं थी, इसलिए उसने मोह को छोड़कर क्रोध या प्रतिशोध का अपना साथी बनाया।
कालांतर में मोह पिशाच ने एक दूसरे व्यक्ति पर अपना वश किया जो जो नंदलाल के गांव में ही रहता था। उसे मोह था खून से और इसीलिए उसने गांव के कई लोगों का खून बहाया। किताब का वो पन्ना तुम्हें वहां मिला था जिसकी सहायता से तुम उसे नष्ट कर पाए और काल शंकर क्रोध आसुर के रूप में तुम्हारे सामने आया था। आश्चर्य, आप इतनी सारी बातें कैसे जानते हैं? सब ईश्वर की कृपा है तारानाथ। वैसे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने वो हंसी भी तो सुनी थी ना हर बार। अब जी किसकी थी वो हंसी? तुम सोचो, तुम उस हंसी से परिचित हो। हाँ मैं परिचित हूं, मगर मुझे समझ में नहीं आया था कौन थी वो। वो थी मातू पगली। क्या, मातू पगली? हाँ, मातू पगली आत्म रूप में तुम्हारी हर लड़ाई में उपस्थित थे और तुम्हारी हर जीत में वो अपनी जीत समझकर हंसती थी, क्योंकि काल शंकर एक समय मातू पगली का ही शिष्य बना था। अपनी प्रतिहिंसा और प्रतिशोध को पूरा करने के लिए वो मातू पगली से तंत्र शिक्षा लेकर आया था, मगर फिर अपने क्रोध में बहकर उसने पिशाच तंत्र की ओर कदम बढ़ाया और मातू पगली के विश्वास को तोड़ा। मातू पगली का विश्वास आहत हुआ था। वो स्वयं भी काल शंकर से प्रतिशोध लेना चाहती थी, मगर शिष्य होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए तुम्हारी जीत को वो अपनी जीत मानकर अट्टहास कर उठती थी। अच्छा तारानाथ, मैं चलता हूं। आशा करता हूं तुम्हारे मन के प्रश्न शांत हो गए होंगे, कहकर वो जाने लगे। मैं तुरंत ही बोल उठा, मगर आप कौन हैं? मुझे तुम घुमंतु कह सकते हो या फिर अमर जीवन कह सकते हो। मेरा कोई निश्चित नाम नहीं है तारानाथ, कोई निश्चित नाम नहीं है, कहकर मेरी आंखों के सामने से वो ओझल हो गया। उस व्यक्ति की बातों में सच्चाई थी। मातू पगली बहुत शक्तिशाली तंत्र सिद्धा थी, परंतु शेडरिपो ने उसे भी नहीं छोड़ा था। पहले उन्होंने उस पर ही वश करने की कोशिश की थी, मगर वो परम शक्तिशाली आत्मा थी। इस वजह से उन्होंने उसे छोड़कर उसके शिष्य काल शंकर पर अपना वश किया। अच्छा, उसके बाद फिर कभी आप मातू पगली से मिले थे? नहीं, मन तो कई बार किया था कि जाकर उससे मिलूं, मगर मिलना ना हो सका। परंतु क्यों? हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे भाग्य का लिखा होता है। और इसे लिखता कौन है? विधाता। विधाता ने मेरे भाग्य में दोबारा मातू पगली से मिलना नहीं लिखा था, इसलिए मैं नहीं मिल सका। खैर, अभी इतनी ही घटना रखते हैं, बाकी घटना फिर कभी। बाकी घटना मतलब? इस घटना का तीन भाग है। अभी तो तुमने मध्य और अंत सुना है, इसका प्रारंभ अभी बाकी है, तो सुनाइए ना। आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूं। तुम लोगों के लिए तो ये मात्र घटना और मनोरंजन का कारण है। तुम इसे सुनोगे, फिर घर चले जाओगे, आराम करोगे, मगर मेरे लिए ये पुरानी यादों का समंदर है, जिसे जिसे एक बार
फैलाने के बाद आज रात भर मुझे उसमें गोते लगाने होंगे। और ये कितना कष्टकारी है तुम्हें मैं बता नहीं सकता, इसलिए आज के लिए मुझे माफ करो। और वैसे भी इसका प्रारंभ कोई साधारण प्रारंभ नहीं है, इसका प्रारंभ हुआ था मेरे जन्म से कई साल पहले। दूसरे शब्दों में कह सकते हो शायद इस घटना से जुड़ने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। हम दोनों बूझे मन से अपने घर की ओर चल पड़े। मन में बस यही विचार थे, बताइए ना उस घटना को पूरी तरह से बताइए ना, जैसे आप लोगों के मन में भी यही विचार उठ रहे होंगे। आप लोग भी किसी एक घटना को सुनते हैं तो फिर जल्द से जल्द उसे पूरा सुन लेना चाहते हैं ना, जैसे हम लोग चाहते हैं। मगर घटना को विस्तृत रूप में बनाना, बांधना, अपनी स्मृतियों को पूरी तरह से मोती के माला में पिरोने के लिए तारानाथ को कितना कष्ट और कितना समय लगता होगा। इसलिए अभी तो हमें सिर्फ इंतजार ही करना होगा, ना होगा, ना होगा, ना होगा, ना होगा।